है और नदी पे इतना गड्ढा पे हम जा चुके हैं। तो सो हाय गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहे ना। तो गाइस, हमारे यहाँ ना दो दिन से ना ठंडा बढ़ा दिया है और मॉर्निंग में हम भी खेत आए तो देख सकते हैं स्टॉल लेके आना पड़ा है क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा इधर पे लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हमको स्टॉल लेके आना पड़ा। और अभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है, कुहासा यहाँ पे गिरा है, फॉग गिर रहा है बोल सकते हो। तो अभी हम खेत इसलिए आए ना कि मिनी वाला ट्रैक्टर भाई ला रहा है, तो मिनी वाला ट्रैक्टर से हल जुताई वगैरह करना है सब कुछ, इसलिए मॉर्निंग पे ही खेत आना पड़ा। और आने के बाद तो घर साइड पे थोड़ा कम ठंडा लग रहा था, बट खेत आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अगर हम स्टॉल नहीं लाए हुए रहते तो आज पक्का ठंडे से मर जाते हैं। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब ठंडा बढ़ गया ना दो तीन दिन से, क्या ही बताऊँ। ये साइड देख सकते हो कुहासा कितना ज़्यादा गिरा, और धान में देख सकते हो कैसा लग रहा है, और धान में आप लोगों को सामने से दिखाते हैं कैसा सीन है। देख सकते हो गाय धान का क्या हाल हो गया है। तो ब्लॉग पे बने रहिए और मिनी ट्रैक्टर से क्या क्या करते क्या क्या नहीं करते सब कुछ दिखाते। तो हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो हमने छोटा वाला ट्रैक्टर यहाँ पे ले आया और मेरा भाई जुताई कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो मिनी ट्रैक्टर से कैसे जुताई होता है, देख सकते हो अब कितना स्मूथ तरीके से कैसे यहाँ पे जुताई हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो मिनी ट्रैक्टर। और अभी बज रहे हैं, अभी 6:30 बज रहे हैं और अभी देख सकते हो अभी सूरज भी उगने वाला है, सूरज उग ही गया है, सोचे तो उग ही गया। और ये साइड में वो सब लोग उन्हें दिखाए थे जो को अभी यहाँ पे पानी पटा रहे थे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा हो गया, आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा हो गया है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, अभी छोटा ही है, बट पूरा यहाँ पे घास हो गया है, यहाँ पे पूरा घास हो गया है। तो इन लोगों को सारा घास कबाड़ना और साइड करना है। और यहाँ पे देख सकते हो हर यहाँ पे जुताई हो रहा है। तो आप लोगों को सामने से दिखाते हैं कैसा इसमें हर जुताई होता है, क्या होता है क्या नहीं। सारे यहाँ पे हमने सारा कुछ यहाँ पे मतलब जुताई कर लिया। और ये जो पूरा आप लोगों को खेत नज़र आ रहा है, पूरा खेत जुताई करना। और आज वो देख सकते हो ओल भी आज फिर कोड़ना है। और यहाँ पे बोधी कुछ इस तरह से दिख रहा है, बोधी कुछ बड़ा नहीं हुआ है, आप लोगों को दिखा दे जूम करके। अभी बोधी का फूल फल भी आ रहा है, कुछ दिन में बोधी भी तोड़ने लायक हो जाएगा। और तो सो हाय गाइस, सब हम काम कर लिए, जितना भी ज़्यादा काम था हमने सारा काम कर लिया। और अभी नदी पे नहाने के लिए जा रहे, तो देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। आप लोगों को दिखाते हैं कितना सारा पानी है क्या है, और दिखाते हैं बैक। देख सकते हो यहाँ पे नहाना, एक छोटा सा नदी है, उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट पानी इसमें बहुत ही ज़्यादा है। तो ब्लॉग पे बने रहिए, हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है, मज़ा। तो अभी पानी कुछ इतना मतलब ना भी इतना पानी अभी आ गया है, ज़्यादा उतना पानी नहीं है बहुत, बट बहुत ठंडा भी है। तो गाइस हम अभी नहाने जा रहे हैं, तो एक बार डूब ले, समझ में नहीं आ रहा है, डूबने का मन कर रहा है एक बार, लेकिन डूब नहीं रहे क्योंकि डर लग रहा है। तो अभी देख सकते हो इतना भी आ गया पानी, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, देख सकते हो हम पूरा भींगने वाले हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे पानी आ गया। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा पानी है नदी में, और हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे। थोड़ा आगे जाके देखते हैं कितना पानी है। तो आगे और ज़्यादा गड्ढा है, इसलिए इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमको तैरना नहीं आता है, और नदी पे इतना गड्ढा पे हम जा चुके हैं। तो अभी नहाते हैं और फिर आप लोगों को ब्लॉग मिलते हैं कैसे ना कैसे।